नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा, आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ आपसे बात करने के लिए बुध का राशि परिवर्तन। दोस्तों, जैसा कि हम आपको विदित है, जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो सभी 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 राशियों को कुछ न कुछ अनुकूल और कुछ कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब बात होती है दोस्तों बुध ग्रह की राशि परिवर्तन की, तो दोस्तों जैसा कि हम आप सबको विदित है, वैदिक ज्योतिष में बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा गया है। ग्रहों में राजकुमार ग्रह बुध है। दोस्तों, बुध जन्म कुंडली में वाणी के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, तर्क के कारक होते हैं, कौशल के कारक होते हैं, संचार के कारक होते हैं, तर्क बुद्धि, बुद्धि में तर्क वितर्क करना, इसके कारक होते हैं। जब इनका परिवर्तन होता है दोस्तों, तो कुछ न कुछ सभी के व्यक्तिगत जीवन पे, व्यापारिक जीवन पे, आर्थिक में कुछ न कुछ अनुकूल और कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अंदाज जन्म कुंडली में चंद्रमा के बाद सबसे तेज ग्रह चलने वाले बुध ही हैं। जन्म कुंडली में इनका मिथुन राशि और कन्या राशि पर इनका अधिकार रहता है। मिथुन और कन्या राशि के ये स्वामी हैं। तो दोस्तों, 28 दिसंबर 2022 को दोस्तों सुबह 4:05 पर ये धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, मकर राशि, जैसा कि हम आपको विदित है, मकर राशि के स्वामी हैं शनि हैं, और मकर राशि जन्म कुंडली में कर्म राशि है। तो जब वहाँ पर बुध का प्रवेश होगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं सभी व्यक्तियों के जीवन पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा ही। तो इनका जो प्रभाव है दोस्तों, देखा जाए तो काफ़ी अनुकूल प्रभाव लेकर इस समय उपस्थित हुए हैं यह मकर राशि में, और इनका जो प्रभाव रहेगा सभी व्यक्तियों पर कुछ न कुछ अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों, जो विद्यार्थी मीडिया में है, मास कम्युनिकेशन में है, जो शिक्षा के क्षेत्र में, गणितीय क्षेत्र में है, उनके लिए काफ़ी अच्छा गोचर यह लेकर आएगा। उन व्यापारियों के लिए भी काफ़ी अच्छा गोचर है दोस्तों, जो भी व्यापार में संघर्ष कर रहे थे, उनके व्यापार में भी तेजी उत्पन्न होगी इनके गोचर करने के दौरान से। उन छात्रों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा जो भी मीडिया में है, मास कम्युनिकेशन में है, इकोनॉमिक्स में है, अर्थशास्त्र में है, ऐसे स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है। मीडिया के व्यापारियों के लिए, जो मीडिया में बिजनेस कर रहे हैं, मीडिया में व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी गोचर काफ़ी अच्छा है। तो यह गोचर देखा जाए दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी है जो अभी अभी अपने करियर को शुरुआत की है, जो जो अपने करियर को भी शुरुआत की है, उनके जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उनके लिए भी गोचर बहुत ही उत्तम फल लेकर आ रहा है। इस गोचर के अंतर्गत उन्हें काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ में दोस्तों बात किया जाए देश और विदेश की, तो जब बुध का गोचर मकर राशि में होता है तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, वाणी के कारक है, संचार के कारक है, तर्क के कारक है, कौशल के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस पर कुछ न कुछ ऐसी योजना निकले, ऐसे ऐसे रास्ता निकले जहाँ पे बातचीत के कारण कहीं ना कहीं इसमें कुछ स्थगित होने की संभावनाएं उत्पन्न करते हैं। तो यह गोचर ऑलमोस्ट देखा जाए तो सभी के लिए काफ़ी अच्छा है। और इस गोचर के साथ साथ में दोस्तों मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो यह गोचर आपके लिए और ही सुगमता, सरलता, संपन्नता प्रदान करते ही जाएगा। तो यह गोचर पाल देने वाला है, लेकिन इसके साथ में जिनको लाभ होने वाला था मैंने उसके लिए आपको बताया। और यदि यह उपाय आप करते हैं दोस्तों, यह उपाय आपके गोचर के शुभ शुभ गोचर में आपको बहुत अनुकूलता प्रदान करेगा। इस गोचर के दौरान दोस्तों आप भगवान गणेश की पूजा करें, भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। भगवान गणेश के मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का 108 बार कम से कम जाप करें आप। बुधवार के दिन आप किसी भी ट्रांसजेंडर को कुछ दान दें और उनका सम्मान करें। बुधवार के दिन उन्हें कुछ द्रव्य देकर उनसे कुछ द्रव्य लें, उनकी इच्छानुसार जो द्रव्य देते हैं उस द्रव्य को आप अपने पॉकेट मनी में रखिए, वहाँ से आपको वृद्धि मिलेगी वहाँ से आपको। इसके साथ साथ में आप गाय को हरा चारा खिलाइए, गाय को हरा चारा खिलाने से भी यह गोचर के दौरान आपको काफ़ी शुभ, काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। दोस्तों, कुछ छोटे छोटे उपाय थे, इन उपायों को करते हैं तो इस शुभ शुभ गोचर में आपका, आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के योग दिखेंगे। इसके साथ में दोस्तों, जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो व्यक्ति की जन्म कुंडली के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सी दशा चल रही, कौन सी ग्रह स्थिति है, उसके अनुसार निर्भर करता है कि गोचर आपको क्या फल देने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ ये छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा।